मन की शांति। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का मन जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मानव के निर्माण में मन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का मन उसके मोक्ष और बंधन का कारक होता है। सफलता हासिल करने के लिए मन का मजबूत होना आवश्यक है। धार्मिक शास्त्रों में मन को साफ और मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम, सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य को जल रोजाना सुबह उठने के बाद नहा धो के आपको रोजाना सूर्य को जो है जल अर्पित करना होगा। ऐसा करने से आपके मन की शुद्धि बहुत जल्दी होती है। गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके भीतर जो भी मलिनता है, जो आपके मन पर चढ़ी है, उसका भी सफाया हो जाता है। सादा और सात्विक भोजन करें। हमेशा कोशिश करें कि जो भी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मानसिक आहार जो होता है वो ना करें, सादा और सात्विक आहार ही आपको आपके जीवन में लाना होगा। तब जाके आपका मन जो है वो शांत होगा, संयमी होगा और थोड़ा सा चंचल होने के बजाय थोड़ा सा स्थिर होगा। एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि एकादशी का व्रत करो, लेकिन कैसे करें वो जानते नहीं। कभी कभी भूल भी जाओ और बाद में पता चले तो आपको बस एकादशी के दिन आपको बस चावल का सेवन नहीं करना है, इससे भी आपका एकादशी का व्रत पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो भगवान का ध्यान होता है वो ज़रूर करें। देखो, मन की शांति के लिए भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत से धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति की जो चंचलता है, अस्थिरता है, उसके लिए जो कहीं ना कहीं उसका स्वभाव होता है, स्वभाव को स्थिर करना ज़रूरी है। अगर आपका स्वभाव स्थिर हो गया तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।